हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। लोगों से लिफ्ट मांगती थी महिला, फिर साथियों को बुलाकर करती थी लूटपाट। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है। पुलिस को बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर उनके पास काफी देर से कंप्लेंट्स आ रही थी कि एक गिरोह है जो कि लोगों को लूटता है और उनको सुनसान रास्ते पे ले जाता है। तो चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं। आप लोगों को भी सावधान होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग इस एरिया से बिलोंग करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने नोएडा से आ रहा है। थाना फजतीन पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है। उस गिरोह में उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 जो है वो लड़का लोग हैं और एक लड़की है, जिसमें से एक लड़के का नाम है सुनील कुमार और दूसरे का नाम है आकाश और तीसरे का नाम है रंजन और चौथे का नाम है राहुल और लड़की का नाम सविता बताया जा रहा है, उर्फ सपना बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये लड़की जो है और एक्चुअली में गाड़ी में बैठी रहती थी और राहगीर जो कि लिफ्ट मांगते थे उनके पास जाके खड़े होते थे और लड़की गाड़ी के अंदर बैठी है, इसके कारण राहगीर को फंसाना काफी ज्यादा आसान हो जाता था। और उसके बाद जब राहगीर गाड़ी में बैठता था तब बाकी के भी जो लोग हैं वो भी लिफ्ट मांगने के चक्कर में उस गाड़ी में बैठ जाते थे और उस गाड़ी को सुनसान रस्ते में ले जाया जाता था और वहां पर जाके उनसे लूटपाट की जाती थी। इन 5 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने 200 से भी ज्यादा घटना को इस जुल्म को इल्जाम दिया है और एक्चुअली में काफी सारे लोगों को इन्होंने लूटा भी है। उस दौरान ही पुलिस को इनके पास से 11 मोबाइल फोन, सोने की चैन, एक देसी तमचा और एक एरियर गन और 2 चाकू तथा काफी सारे पैसे बरामद किए हैं उन्होंने। अभी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो आई होप गाइस आप लोग अपना ध्यान जरूर रखेंगे क्योंकि आजकल के जमाने में किसी के ऊपर भी विश्वास करना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।